गौरव भारद्वाज साहब, उनसे दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और गजल से नवाजे। जनाबे होश आदमी गजल को आपको सुनाएंगे। इस्तकबाल कीजिए गौरव भारद्वाज साहब, आइए। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो सुनाने से पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस मुशायरे में, और ये आम मुशायरे से थोड़ा खास है क्योंकि ये याद में मनाया जा रहा है। जैसे हम सब जानते हैं ये सिर्फ कोई ऐसा मुशायरा नहीं है, तो इसमें जो लोग हैं, जब इसकी लिस्ट बन रही थी कि कौन कौन इसमें शामिल होगा, इस बात का ख्याल दूसरा था कि प्रोफेशनली कौन क्या है या पोइट्री में कौन क्या है, बल्कि इस बात का ख्याल पहले था कि घर का कौन है या परिवार कौन है, क्योंकि ये परिवार से जुड़ा हुआ मुशायरा है। तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब परिवार है। अब जैसा हम सब लोग जानते हैं कि जिन शहर के बारे में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं वो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, और आजमगढ़ का अपना एक इतिहास है। अगर मैं आजमगढ़ के कुछ और ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज का नाम लूँ तो शिबी नुमानी साहब, रावल संकतायम, गौहर जान, कैफी आजमी, अब्दुल हक आजमी, लाल बिहारी मिर्ता, शमसुर रहमान फारूकी, शबाना आजमी, शकील आजमी, ऑफकोर्स कैफी खालिद आजमी, और जिनके लिए आज हमें एकत्रित हुए हैं वो चार भी साथ आजमी भी है। और मैंने फिर इसीलिए छोड़ा था सर कि आपके लोग कौन है। तो यह है कि अहले जर हालत मजदूर तुम्हें क्या मालूम, अहले जर हालत मजदूर तुम्हें क्या मालूम, कितने इस दिल में है नासूर तुम्हें क्या मालूम, कितने है इस दिल में नासूर तुम्हें क्या मालूम, ईंट किन हड्डियों की गारे हैं इनके थूके, किन हड्डियों की गारे हैं इनके खून के, इनके महलों से इनके महलों में हूं मसरूर तुम्हें क्या मालूम, आज कहने को सुहागन है मगर बेवा है, आज कहने को सुहागन है मगर बेवा है, ना तो चूड़ी है ना सिंदूर तुम्हें क्या मालूम, लाश मजदूर से गुर्बत की महक आती है, लाश मजदूर से गुर्बत की महक आती है, ना तो है इत्र ना कपूर तुम्हें क्या मालूम। और इसका आखिरी शेर है कि अपने महलों की तजल्ली ही तुम्हें भाती है, अपने महलों की तजल्ली ही तुम्हें भाती है, क्या है इंसानियत का नूर तुम्हें क्या मालूम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।